गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। शहरों के नाम बदलने के सवाल पर क्या बोले। मुगल विरासत पर क्या बोले अमित शाह। क्यों बोले हमने नहीं बदला कोई पुराना नाम। राज्यों में जो हो रहा है वहां पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज, आपने लखनऊ को रीनेम करना है, हर चीज, मतलब जो मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दीजिए, नेहरू परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें हटा, कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही है, देखिए एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर, हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है जी। 2024 को लेकर आप समझते हैं, इज इट, क्या आप ऑलरेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, क्या क्या मैसेजिंग होगा। देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं, और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है, भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% या 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है, मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं, आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था, उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया।